देश के बड़े समाजवादी नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव को शव भोपाल पहुंचे। उनको अंतिम संस्कार नर्मदापुरम के उनके पैतृक गांव आंखमऊ में हुई है। दिल्ली से विशेष विमान के जरिए पार्थिव शरीर को राजा भोज एयरपोर्ट ले आओ गए। इतने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उनको श्रद्धांजलि दी। मेरे तो वो पड़ोसी थे, मेरा गांव नर्मदा के इस पार था, उनका गांव नर्मदा के उस पार। बचपन से प्रखर जुझारू और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले शरद भाई, आईबीसी नीचे करना थोड़ा, छात्र जीवन में ही राष्ट्रीय राजनीति में छा गए थे। जेपी के आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ थे वो, और जेपी के उम्मीदवार के रूप में हलधर किसान चुनाव चिन्ह पर जीतने वाले पहले अगर सांसद और नेता थे तो श्री शरद यादव थे। जेल में रहते हुए चुनाव जीते और बाद में वो भारत की राजनीति पे छा गए थे। 80 और 90 के दशक में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदली और मंडल कमीशन लागू करवाने में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, समाज के कमजोर वर्ग विशेषकर पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए। शरद यादव को अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से करवे की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करी है। शरद यादव मध्य प्रदेश की धरती में जन्मे और बिहार में भी सांसद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश 2022 सत्र में प्रवेश लेने का अंतिम अवसर। प्राथमिक चिकित्सा एवं बुनियादी चिकित्सा क्षेत्र में अपना भविष्य बनाइए। कोर्स प्राथमिक चिकित्सा उपचार, बेसिक हेल्थ केयर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी एवं हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसे एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेकर रोजगार एवं रोजगार के तहत अपना भविष्य बनाइए। बुंदेलखंड में हमारी संस्था के प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्रों में प्रवेश लें। सागर अध्ययन केंद्र क्रमांक 572, छतरपुर अध्ययन केंद्र क्रमांक 370, हटा अध्ययन केंद्र क्रमांक 578, टीकमगढ़ अध्ययन केंद्र क्रमांक 371, पन्ना अध्ययन केंद्र क्रमांक 569। बुंदेलखंड के साथ मध्य प्रदेश की किसी भी जिले में प्रवेश लेने के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें 9131652095, 9109449455।